तो तीनों लीजेंडरी सानिन में कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है? तो स्टार्टिंग में जब ये सब जैनिन थे तब ओरोचिमारू सुनाडे और जिराया से ज्यादा पावरफुल था, और जब जिराया को माउंट मियावाकी पर ट्रेनिंग की थी और वो सेज मोड को भी अच्छे से यूज कर सकता था तब थर्ड ग्रेट निंजा वॉर के टाइम जिराया सुनाडे एंड ओरोचिमारू से ज्यादा पावरफुल था। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ओरोचिमारू ने बिना हाथ के ही सुनाडे और जिराया को संभाल लिया था। वो ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि जिराया अपनी फुल पावर में नहीं लड़ सकता था क्योंकि सुनाडे के ड्रंक की वजह से वो वीक हो गया था, और जहां ओरोचिमारू पेन को हाथ भी नहीं लगा पाया, जिराया ने उन सात पेन से एक साथ फाइट की और उसने उनमें से एक पेन को तो मार ही दिया। तो नो डाउट जिराया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लीजेंडरी सानिन है।